ये नजर जानते हो क्या होती है? नजर भी लगती है कभी किसी की है? लगती है किसकी? लगती है नजर आदमी की, लगती है आदमी को लगती है। क्या सुन रहे हो? आदमी की नजर आदमी को लगती है और आदमी की नजर पशु को भी लग जाती है, पक्षी को भी लग जाती है। सुन रहे हो? लेकिन पशु की नजर कभी भी आदमी को नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? आदमी की नजरों में ऐसा क्या होता है कि उसकी नजर का प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ जाता है और उसकी नजर पे इतना पड़ जाता है कि उसकी नजर बिल्कुल ऐसा लगता है आंखें अब बंद ही हो जाएं। जब नजर लग जाती है तो आंखें फिर खुलती सी नहीं है, भारीपन आ जाता है। एक की नजरों का प्रभाव दूसरे की नजर पर इतना पड़ जाता है कि उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? और जब वो नजर लगती है तो आप सोचते हो न जाने किसकी नजर लग गई। जब से नजर लगी है बेटे को कितना बुखार आ रहा है, कितना परेशान हो रहा है, न खा रहा है न पी रहा है। जब अच्छी चीज देखने में आती है तो उस अच्छे को अगर हम केवल अच्छे के रूप में स्वीकार करें तो नजर शायद नहीं लगती। लेकिन जब हम अच्छे पर मोहित हो जाते हैं तो शायद उस आदमी को भी नजर लग जाती है जिस पर हम मोहित हो रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कई बार लोग कहते हैं मेरे बेटे को बहुत नजर लग जाती है और अब पता नहीं महाराज किसकी नजर लग जाती है। ऐसा लगता है रिश्तेदारों की लग जाती है, पड़ोसियों की लग जाती है, न जाने किसकी लग जाती है। कभी आपके घर में भी होता है? और जब भी नजर लगती है तो आप किधर देखते हो? कि किसी पड़ोसी की नजर लग गई है, किसी रिश्तेदार की नजर लग गई है, आज घर में कौन आया था, किसने मेरे बच्चे को खिलाया था, आज उसकी नजर लग गई। आप सोचते हो, आपको पता होता है नजर किसकी लग जाती है? क्या सुन रहे हो? पता होता है आपको? आप अंदाज से सोचते हो और अंदाज हमेशा कहां जाता है? पड़ोसी पर जाता है। कल से बच्चे को पड़ोसी के घर पे नहीं भेजना और थोड़ा पड़ोसी से ही मना करना पड़ेगा, ये रोजाना यहां पर बच्चों को खिलाने ना आया करे। ऐसा ही भाव आ जाता है। आपको पता होता है नजर कहां लगती है? नजर हमेशा अपने वालों से ही अपने को लगती है, पड़ोसी से कभी नजर नहीं लगती। माता पिता को पता नहीं होता कि उनकी नजर ही बेटे को लग जाती है और फिर वही नजर उतारते। ये कैसे महसूस हो कि हमारी भी नजर उसको लग रही है? जब आप जरूरत से ज्यादा अपने बच्चे से ममता करते हैं, जरूरत से ज्यादा आप उसे अच्छा समझ करके लाड़ करते हैं, तो उस बच्चे में इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो आपकी उस नजर को सहन कर पाए, तो उसको नजर लग जाती है। सुन रहे हो? आपकी दृष्टि में गुण नहीं होते हैं, मोह होता है। क्या होता है? और मोह के कारण से हमें अपना बेटा शिशु बहुत प्यारा लगता है और उसी के कारण से उसके ऊपर नजर लग जाती है। और ये नजर कभी कभी अपने अलावा, अपने घर के अलावा और भी लोगों पर लग जाती है। ऐसे ऐसे हमने केस सुने हैं कि जानवरों को भी आदमी की नजर लग जाती है।
गाय है उसको नजर लग जाती है आदमी की, और क्या होता है उस गाय के साथ, अच्छा वाला दूध दे रही होती है और एकदम से उसका दूध देना बंद हो जाता है। क्या होता है ये, इस नजर में कुछ और होता है कि नहीं होता? नजर के पीछे भी हमारे अंदर के कुछ भाव बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? विचार करो, आदमी के अंदर जितना भी अच्छा या बुरा भाव आता है, जो भी उसके अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होती है, वो सारी की सारी आंखों से बाहर आती है। और जब आप किसी की आंख में आंख मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि या तो उसकी नजर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा या आपकी नजर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आदमी होगा सामने तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और अगर नेगेटिव आदमी सामने होगा तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी। सुन रहे हो? हर किसी से नजर मत मिलाया करो, खास तौर से थोड़ा सा जो अपने अपोजिट लोग होते हैं ना, उनसे बच के रहा करो। अपोजिट समझ रहे हो? अपोजिट नहीं समझते? अभी नहीं समझ रहे? स्त्री और पुरुष अपोजिट होते हैं कि नहीं होते? अरे महाराज, आप अपोजिट कह रहे हो, बिल्कुल इक्वल होते हैं। इक्वल होते हुए भी अपोजिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? दो पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हो सकते हैं, लेकिन नेचर तो अपोजिट हो सकते हैं और होते ही। ये ध्यान रखो कि हमारी नजर का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, पशु पर भी पड़ता है, पक्षी पर भी पड़ता है, हर किसी व्यक्ति पर पड़ सकता है, और उसकी नजर का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। आपको किससे नजर मिलाना, हर किसी से नहीं मिलाना, और हर किसी से मिलाई तो हर किसी का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ेगा और आप कमजोर हुए तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। नजरें भी आदमी को देख करके मिलाई जाती हैं, और उन नजरों में अगर आपके अंदर ऐसा भाव हो कि हमारे ऊपर किसी की नजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं किसी से मोहित नहीं होऊंगा, तो हो सकता है कि आप में वो ताकत हो आ जाए कि आप किसी से नजर मिला सको। लेकिन अगर आप में मोहित होने का भाव आ जाता है तो आपको नजर नहीं मिलानी चाहिए।